श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज अपने विशेष मेहमान के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ। साथियों, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, इसमें बहुत से उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। हम इन्हीं लहरों में गोते खाते खाते आगे भी बढ़ते हैं और कभी कभी वो गोते इतने गहरे हो जाते हैं कि हमें जीवन में थोड़े समय के लिए डिप्रेशन को भी सहना पड़ता। फिर हम सोचते हैं कि क्या हमारे स्टार्स हमारे को फेवर नहीं कर रहे, क्या वजह है, हमारा स्वभाव है, हमारे संबंधों में ये जो तनाव आया है क्यों आया है। इन सब बातों का उत्तर देने के लिए हमने एक ऐसी शख्सियत की तलाश करी है जो ज्योतिषी भी हैं, आध्यात्मिक तौर पर बहुत उच्च श्रेणी की अध्ययन भी रखती हैं, गीता का भी ज्ञान रखती हैं और कर्मों में भी विश्वास रखती हैं। इन सब बातों को मद्देनजर में रख के जीवन में बहुत से लोगों को जब हम तनावग्रस्त देखते हैं, डिप्रेशन में देखते हैं, अस्वाद में डूबा हुआ पाते हैं, ऐसे लोगों के अध्ययन के लिए, बातचीत करने के लिए आज मैडम प्रीति शर्मा हमारे बीच प्रस्तुत हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार कि आप दिल्ली से यहाँ तक आते हैं। गर्मी बहुत अधिक है, इसके बावजूद भी आप कष्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि आम लोगों के जीवन में अधिक से अधिक इस तरह के तनाव की बातें समाप्त हो सकें, उसके लिए आज आपने बात करना हमारे साथ स्वीकार किया है। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार है। जी मैडम जी, मेरा आप सबको नमस्कार और रेडियो बूस का स्पेशल थैंक्स और मुकेश जी आपका धन्यवाद। आप मुझे ये प्लेटफॉर्म देते हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकूँ कि जीवन का सफ़र जी कैसे सुहावना हो सकता है, इस सफ़र को हम कितना सुहावना बना सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने इतनी बुद्धि इतनी शक्ति दी हुई है जी कि वो अपनी लाइफ को जैसे चाहे बना सकता है जी। हम अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते जी, लेकिन हम अपने वेट को कंट्रोल कर पाते हैं कि मेरा वेट बढ़ रहा है तो इसे कंट्रोल करूँ, मेरा पेट बढ़ रहा है मैं कंट्रोल कर लूँ जी। इसी तरह से हम अपने अच्छे कर्मों से जी हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो दुख और सुख के एपिसोड होते हैं, हर आदमी चाहता है कि सुख के एपिसोड ज़्यादा हों और दुख के कम हों जी। लेकिन जब हम काम करेंगे तो हम गलती भी करेंगे और जो काम नहीं करता वो गलती भी नहीं करता जी। तो जब गलती करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं ज़िंदगी में कि जहाँ हमें सक्सेस नहीं मिल पाती जी। चाहे वो एक बचपन है, बचपन में बच्चा जब स्कूल जाता है, स्कूल जाने के साथ साथ सभी पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरा बच्चा टॉप करे जी। वो टॉप किस पे करे, क्या उसके अंदर अच्छे संस्कारों का होना ज़रूरी है या सिर्फ किताबी ज्ञान ज़रूरी है, या उसके अच्छे विचार हो, अच्छी सोच हो, उसका थोड़ा बहुत बच्चे की कनेक्टिविटी पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स सबसे पहले गुरु हैं जी। अगर वो बच्चों को अध्यात्म की तरफ जोड़ते हैं तो उन बच्चों का जो जीवन है, मैं समझती हूँ वाकई सुहाना सफ़र हो जाता है। जो हम आज बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन की जी, डिप्रेशन की कोई उम्र नहीं होती ठीक, बच्चों को भी डिप्रेशन होता है, बूढ़ों को भी होता है, यंगस्टर को भी होता है जी। इट ऑल डिपेंड्स सिचुएशन क्या है। यस, क्या हमारे बच्चों को हमने ऐसे संस्कार दिए। देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो हम कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर हमारा चंद्रमा कमजोर है तो डिप्रेशन जल्दी आएगा जी। वो आदमी इमोशनल ज़्यादा होगा, उसके छोटी सी छोटी बात भी दिल पे लग जाएगी और वो सोचता रहेगा कि मेरे साथ क्यों हुआ।
अब ऐसी सिचुएशन में जब हमारा बच्चा छोटा, हम शुरुआत की बात करते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है वो स्कूल जब जाता है तो हमें उसको कैसे इनकरेज करना है, कैसे थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ कनेक्टिविटी स्टार्ट करनी है जी। मैं ये नहीं कहती उस बच्चे को आप रोज़ कहो जी तो एक घंटा बैठ जा, नो, जस्ट फॉर 5 मिनट आप उस बच्चे को अच्छी स्टोरीज सुना सकते हैं रात को सोने वक्त, सुबह उठता है तो उसको बता सकते हैं कि दिनचर्या शुरू कैसे करनी है जी। जस्ट फॉर 2 मिनट्स बच्चे को बोलना है, थैंक्स करना है उस परमात्मा का जिसने हमें मनुष्य का जीवन दिया, और मैं सारे दिन में आज ऐसे क्या अच्छे काम करूँगा कि जिससे मुझे भी पीस ऑफ माइंड मिले जी। और मैं सामने वाले को क्या अच्छा दे सकता हूँ, देने की भावना जी। जब हमारे अंदर देने की भावना होती है ना और लेने की नहीं होती तो मैं समझती हूँ आधी प्रॉब्लम्स यहीं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हमारे बच्चों को आज के समय में सभी मॉडर्न पेरेंट्स ये करते हैं कि जो उसने मांगा वो हमने दे दिया जी। हम सोचते हैं कि जो हमने तकलीफ सही थी हमारा बच्चा ना देखे राइट। लेकिन हमें उसको बैलेंस करना आना चाहिए। अगर हम पास्ट अपने हिंदुस्तान का किसी भी कंट्री का देखते हैं, मैं काफ़ी देश विदेश में जाती हूँ, मैंने ये देखा है कि अगर हम राजा महाराजाओं को भी देखें तो बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। क्यों भेजते थे? कि अगर उन्होंने इतना बड़ा किंगडम को संभालना है वो कैपेबिलिटीज़ तो आ जाएं जी। अगर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं आएंगी तो वो कैसे संभालेगा? आज हमारे बच्चे जो हैं गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको उतना समय पेरेंट्स नहीं दे पा रहे। स्कूल में ही बच्चे होते हैं तो उनके एडिक्शंस शुरू हो जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? जब पेरेंट्स बच्चे को थोड़ा सा टाइम रोज़ देंगे और साथ में एक ऐसी स्टोरी बताएंगे, एक ऐसा, चाहे गीता बच्चे को पढ़ा सकते हैं हम, कोई भी होली बुक, कोई भी अच्छे दृष्टांत हम बच्चों को सुनाएं, जिससे हमारे बच्चों के अंदर ये एक अंदर से आ जाए फीलिंग कि नहीं मुझे तो ये सुनना है और इसका मीनिंग क्या है। आप एक बार छोटी सी स्टोरी बुक बच्चे को दो इंस्टेड ऑफ मोबाइल जो हम दे देते हैं जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया बाकी चीज़ों से, उसको पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, उसको मोबाइल की ज़रूरत है। तो अगर हम उस बच्चे की शुरुआत ही इस तरह से करें कि वो अध्यात्म से भी जुड़े, अच्छी स्टोरी सुनाए, और अगर पढ़ाई में उसके नंबर कम आए हैं उस बच्चे को डीमोरलाइज नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, ये देखना है कि इसका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा, क्या इसका एस्ट्रो चार्ट कहता है कि ये पढ़ाई में आगे नहीं जाएगा, इसका जुपिटर ठीक नहीं है, या ये खेल में आगे जाएगा जी। बच्चे का इंटरेस्ट है, हो सकता है बहुत बड़ा आर्टिस्ट बने, जरूरी नहीं होता कि सिर्फ इंजीनियर ही बनाना है, डॉक्टर ही बनाना है ठीक। तो हमें एस्ट्रो चार्ट ये बताता है कि हमारे बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए ठीक है, और उसमें हमें इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए कि वो डिप्रेशन में चला जाए। जब बच्चा 10th में आता है तो इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई तुम्हें तो 99% लाने हैं, साइंस लेनी है, क्या सभी साइंस के साथ ही चल सकते हैं? हम बच्चों को पहले एक अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दें, उसके बाद उनके एजुकेशन जो है, कोई भी किताबी ज्ञान अगर हमारे ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो तभी कर सकते हैं अगर उसको हमने मन लगा के पढ़ा है तो। और बहुत सी चीज़ें हमारे कोर्स में ऐसी भी होती हैं जो हमें ज़रूरत नहीं लेकिन हमें हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए उनकी स्टडी की जाती है। तो डिप्रेशन जो आपने आज मेरे से क्वेश्चन किया है कि क्यों आ जाता है, उसका रीज़न यही है कि जो बच्चा 11th में 12th में अगर मार्क्स कम लाया है, नहीं साइंस मिलेगी तो ह्यूमैनिटी में चला जाएगा ठीक है, लेकिन ह्यूमैनिटी में भी आज हज़ारों ऑप्शंस हैं, तो हम बच्चों को अप्रिशिएट करें जी। सेकेंड स्टेज आती है जब उन्होंने 12th कर ली, कॉलेज लाइफ में आ गए, टीनेजर्स। तो टीनेजर्स के साथ क्या होता है कि बहुत जल्दी अट्रैक्शन बन जाता है अपोजिट सेक्स की तरफ ठीक। अब अट्रैक्शन बन गया और वहाँ एक्सपेक्टेशंस भी शुरू हो जाती है ठीक है, कि हमारी रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशन भी बन जाते हैं, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को अब दिमाग में रख लिया कि फिजिकल रिलेशन इज़ नॉट ए बिग थिंग, ठीक है हमारा लाइफस्टाइल यही है ठीक है। वहाँ उस रिश्ते में जब ब्रेकअप होते हैं, जब एक दूसरे की डिज़ायर्स, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, या उस लेवल का प्रेम नहीं मिलता जो सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है, ब्रेकअप होता है, उसी टाइम आप फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो डिप्रेशन में जाने का भी रीज़न ये है कि आपका स्पिरिचुअल लेवल स्ट्रांग नहीं है, आपके अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं, क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी किसी गुरु के ज्ञान से या अपने माता पिता के ज्ञान से या कुछ भी कोई एक मंत्र भी बच्चे को सिखा देते हो, गायत्री मंत्र सिखा दीजिए, बच्चे की बुद्धि चैनलाइज होनी शुरू हो जाएगी। एक हैबिट डाल दो कि आप बेटा ये रोज मंत्र करोगे, नहाने वक्त भी पढ़ने वक्त भी, गायत्री से बड़ी कोई पावर ही नहीं है। और मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिन बच्चों ने एक मंत्र भी करना शुरू कर दिया उनकी लाइफ में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा ठीक।
थर्ड स्टेज आती है मैरिज की. मैरिज अफेयर चल रहा है 4 साल से, शादी होने के बाद हनीमून पीरियड के बाद ब्रेकअप हो जाता है. क्योंकि एक रोजी पिक्चर चल रही है सबके दिमाग में कि शादी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा. वो रोजी पिक्चर हनीमून के बाद ख़त्म हो जाती है और उसके बाद विचारों की लड़ाई शुरू हो जाती है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है, कंपटीशन शुरू हो जाता है. तुम्हारी अर्निंग कम है, मेरी ज़्यादा है, मेरी कम है, तुम्हारी ज़्यादा है. तो वो जो कंपैरिजन है उस वजह से, और हमारी सोसाइटी में क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपके हस्बैंड की इनकम कम है या आपकी वाइफ जो है वो ये नहीं करती, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए. सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सब बातें बिफोर मैरिज डिस्कस होनी चाहिए. और अगर आपने नहीं की हैं और आप उस समय इतने एक अच्छे उसमें चल रहे थे, आपस में अच्छे रिलेशनशिप में, कि आपने शादी कर ली, तो की है तो शादी से पहले अपने बच्चों को ये संस्कार देना बहुत ज़रूरी है कि अब इस शादी आप लोगों का डिसीज़न है, आप कर रहे हो. तो साथ में एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस, इग्नोरेंस, ये सब हमारे अंदर होने चाहिए. कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ हमें आंखें बंद करनी पड़ती हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो आज से 20 साल पहले बहुत हमें सिखाया गया था और हमने उसे अप्लाई किया. हम एक ही रिलेशनशिप में अपने हस्बैंड के साथ इतने सालों से रह रहे हैं. आज की जनरेशन 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, दैट्स ऑल. और उसके बाद रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ, फिर डिप्रेशन में चले गए, नौकरी छोड़ दी, एडिक्शन में चले गए, नशा करना शुरू कर दिया. तो उनको निकालने के लिए फिर हम लोग उनको हेल्प करते हैं कि इनको हम कैसे निकालें. बिकॉज कोई भी मेडिसिन जो डिप्रेशन की है, वो आपका वेट भी बढ़ेगा, साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, आपकी मेमोरीज में प्रॉब्लम आ जाती है, मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है. और मेरे पास जो एवरेज है वो 18 से 30 साल के बच्चे हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं. और मैं वर्ल्ड वाइड जहाँ भी जाती हूँ, उन बच्चों को मैं एक एक बच्चे को जब गले लगाती हूँ, तो उनको ये लगता है कि ये प्यार तो मेरी माँ ने कभी दिया ही नहीं. राइट. तो वो जो फीलिंग है, वो जो एक बच्चे के साथ कनेक्टिविटी है, वो बहुत ज़रूरी है. जब बच्चे की शादी हो रही है, तब भी पेरेंट्स को यही समझाना चाहिए कि देखो बेटा, अब तुम शादी कर रहे हो, अब ये तुम्हारी लाइफ है, तुम इसको कितने अच्छे से निभा सकते हो, निभाओ. क्योंकि जब हम प्यार करते हैं कमरे में, तो हम शोर नहीं मचाते. जब हम झगड़ा करते हैं, तो हम बाहर जाके लोगों को बताते हैं कि इसमें ये कमी है जी. तो अगर आपने ये ट्रेनिंग दे दी कि कमिंग 1 ईयर शादी के बाद आप लोग आपस में एडजस्ट करो, एक दूसरे को समझो. हमें फ़ोन नहीं आना चाहिए कि आप लड़ रहे हो, क्योंकि जो 4 साल आपने बिताए पीछे, जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत प्रेम था, उस समय तो आपने आके नहीं बोला, तो फिर लड़ाई के समय क्यों बोलते. तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पेरेंट्स को लेना पड़ेगा. क्योंकि जब पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई कानून हमारे फेवर में है, तुम ऐसा करो और वापस आ जाओ, फिर हम इतना क्लेम करेंगे, वो एक नेगेटिव चीज़, नेगेटिव छवि हमारे ऊपर पड़ रही है. पहले लोग डरते थे कि हम बेटी दे रहे हैं, अब बेटे वाले डरते हैं कि लड़की आ रही है, पता नहीं शादी के बाद क्या. बिल्कुल ठीक है. तो अल्टीमेटली दोनों में से एक डिप्रेशन में भी जाता है. तो इस डिप्रेशन से बचने के लिए हमें एस्ट्रो चार्ट को डिस्कस करना चाहिए, क्या दोनों के प्लैनेट एक दूसरे को फेवरेबल है. सिर्फ गुण नहीं मिलाने, हमें ये देखना है कि शादी के बाद इसकी तरक्की है. अगर उनकी प्रोग्रेस नहीं है, तो वो शादी नहीं करनी चाहिए. ठीक. और अगर ये लग रहा है कि इसकी शादी होने से ब्रेकअप भी, क्योंकि हम देख लेते हैं कि इसमें ब्रेकअप होगा, और अगर होना है तो फिर पहले कर लो ना, बाद में क्यों इतना टाइम वेस्ट करो. ये स्टेज हो गई यंगस्टर की. अब हम आते हैं 40+. जो आज की डेट में मेल फीमेल वर्किंग है, बहुत अच्छी पोस्ट पर है, काम कर रहे हैं. जब एक लड़की किसी डायरेक्टर की पोस्ट पे है या बहुत अच्छी जॉब में है, और उसका हस्बैंड सपोज उससे 19 थोड़ा सा कम छोटी पोस्ट पे है, तो वहाँ पर भी एक कंपैरिजन कंपटीशन आना शुरू हो जाता है. और उसको लगता है कि ऑफिस में मेरे पास 100 लोग हैं, 10 लोग हैं, 4 लोग हैं जो मुझे सल्यूट करते हैं. मैं घर आती हूँ तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए चाय बनानी है. लेकिन वी हैव टू स्विच. हम जहाँ जाते हैं, जिस सिचुएशन में जाते हैं, वैसे हमें काम करना पड़ता है. Yes. मैंने 20 साल फैक्ट्री चलाई. जब मैं फैक्ट्री में हूँ, तो मैं फैक्ट्री के मोड में चल रही हूँ. हाउ टू डील विद माई स्टाफ, माई क्लाइंट्स, कस्टमर, सप्लायर.
जब मैं घर आ जाऊंगी तो मुझे मूड स्विच करना पड़ेगा कि मुझे अब अपनी फैमिली को दूसरे तरीके से डील करना है, जो आज की जनरेशन में नहीं है। जो 40 से 45, 48 का जो ग्रुप है आज वहाँ भी डाइवोर्स हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि बाहर शोल्डर मिलना शुरू हो गया कि तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो, तुम्हारे घर में ये ठीक नहीं हो रहा। तो हमें लोगों की बातों में नहीं आना, हमें अपने मन से देखना है, हमें अपने आप को असेस करना है कि क्या मैं अपने घर को बचाने के लिए, अपनी रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए मैं क्या दे सकती हूँ। लेने की भावना नहीं चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जब हम देते हैं तो ईश्वर हमें बहुत कुछ रिटर्न देता है। जब हम लेने की भावना रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो झगड़े होते हैं, क्योंकि इच्छाएं तो ऐसी हैं कि आज एक है तो कल दूसरी है, परसों तीसरी है। तो इच्छाओं को कंट्रोल करना, जितनी चादर हम पहले बोलते थे है, आज हम चादर की बात नहीं करते। आज मैं ये समझती हूँ कि जैसी सिचुएशन में आज हम चल रहे हैं, उस सर्कमस्टांसिस में अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दें कि हमें कैसे एडजस्ट करना आना चाहिए। एग्जैक्टली तो ये मेरा पॉइंट है कि डिप्रेशन में ना आओ, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है, डिस्कस करो जिसके साथ आप अपना मन खोल सकते हो। यस, डिप्रेशन की दवाइयों से कभी सलूशन नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली अंधेरे में चले जाओ। यस, तो दवाइयाँ छोड़ के एस्ट्रो वालों से डिस्कस करो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस। सबसे बड़े गुरु हमारे पेरेंट्स हैं। अगर उनकी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई उस लेवल का गुरु, आजकल बहुत सारे स्पिरिचुअल कोच हैं, लाइफ कोच हैं, जो आपको सिखाते हैं कि जीवन जीने की कला क्या है। और जिस दिन आपने उसमें से कुछ पॉइंट अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिए, तो मैं समझती हूँ कि हर घर में शांति होगी। प्रीति जी, आपने जो कुछ बताया वाकई वो बहुत ही कारगर साबित हो सकता है जी। अगर दो व्यक्ति उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, मानसिक तौर पर वो खुले हुए हैं। अदरवाइज लाइफ इज सच ए डायनेमिक प्रोसेस, जैसे कहते हैं ना कि यू कैन नॉट डिप ट्वाइस इन द सेम रिवर। वो तो दरिया बहता जा रहा है और आप उसमें दो बार डिप नहीं कर सकते जी। इसी तरीके से लाइफ का जो जीने का प्रवाह है वो इतनी गति से बह रहा है जी। कि अगले पल आपको कौन से भाव ग्रसित करने शुरू कर देंगे, आज जिससे आप संतुष्ट हैं, अगले पल वही संतुष्टि कब डिप्रेशन में बदल जाएगी अगर आप अपने को बैलेंस रखना नहीं जानते। इसलिए मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस जीवन को किसी फार्मूले से तो नहीं जिया जा सकता। हेयर ऑल द टाइम 2+2 इज़ नॉट 4। यहाँ ऐसी भी सिचुएशन आती है जहाँ 2+2 4 नहीं होते, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये आदमी के स्वयं पर निर्भर करता है और उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति और पावर पर निर्भर करता है कि वो डामा डोल हुए बिना आगे बढ़ता जाए और ये देखे कि अंततः बैलेंस मेंटेन करने से कहाँ तक वो संतुलन आगे चल सकता है और कहाँ तक उसको वो झेल सकता है और बिना किसी डिप्रेशन में आए वो चीज़ों के साथ कैरी ऑन कर सकता है। इसके लिए जैसे आपने बताया कि आध्यात्मिक ताकत, आध्यात्मिक सूत्र, आध्यात्मिक प्रार्थनाएं हमारे लिए बहुत सहायक साबित होती हैं। मैं 100% आपसे सहमत हूँ कि इसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है वो हमारे पर रहता है। तो मैं चाहूँगा इससे पहले कि हम इस विषय को वाइंड अप करें, आप ऐसे कुछ और सूत्र बताएं हमारे श्रोताओं को जो उनके लिए अलग अलग स्थितियों में उपयोगी साबित। देखिए ऐसा है कि सिचुएशन डिमांड। यस, एक बच्चा है उसकी सिचुएशन अलग है जी। उस बच्चे को अगर हमने बचपन से अध्यात्म की तरफ जोड़ा, अच्छे संस्कार दिए जी। अगर मैं एक बच्चे को कहती हूँ कि इसको आप रोज मंदिर गुरुद्वारे नहीं ले जा सकते,
लेकिन घर में आप उसको ऐसे संस्कार दिए कि आपने अपने बड़ों के रिस्पेक्ट करनी है, अच्छे से बात करनी है, उनके पैर छूने हैं, जो हमारी संस्कृति है, yes. तो वो बच्चा झुक के चलना शुरू हो जाए जी। लेकिन अगर हमने बच्चे को ये समझाना शुरू कर दिया कि नो, तुम्हें ये नहीं सुनना, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तो वो बच्चा उसी मार्ग पे चलना शुरू हो जाएगा जी। तो बच्चों का बेस शुरुआत देखिए, सबसे पहला होता है प्रेगनेंसी जी। जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उसको मैं 9 ग्रह जो काम करते हैं, 9 मंथ 9 प्लैनेट, ओके, मैं इसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग देती हूँ। अच्छा। और वो जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी अच्छी होती है कि उसकी, उस औरत का, उस लेडी का, उस माँ का मन भी शांत रहता है और जो बच्चा आने वाला है उसका मन भी शांत रहता है जी। तो मेरी शुरुआत जो होती है वो इससे होती है कि जब आप प्लान कर रहे हो, बेबी प्लानिंग कर रहे हो, तो आप ये सोच के चलो कि 9 मंथ 9 प्लैनेट काम करते हैं। एक ग्रंथ अगर आपने पढ़ लिया, मैं रामायण भी कहूँगी, हरिवंश पुराण है जो हम संतान के लिए पढ़ते हैं, तो अगर आपने वो पढ़ लिया तो सबसे पहला जो वो बच्चा आएगा, ये आप मेरे से कहीं पर भी लिखवा लीजिए, मैंने ये प्रैक्टिकल किए हैं, वो बच्चे एक अलग डिवाइन सोल होती है, ओके, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको ऐसे लगेगा हमारे घर में कोई दैवीय शक्ति आ गई, ओके, हर बात सुनेंगे, हर बात को अच्छी तरह से करेंगे। अब वो शुरुआत अगर किसी ने अच्छी नहीं करी, उस समय किस नहीं पता था, चलो आपकी बेबी हो गया क्या, तो आप उस बच्चे को अब शुरू कर दीजिए, yes. इस तरफ लगाइए, yes. कि बड़ों की रिस्पेक्ट, अध्यात्म के साथ जोड़ना, yes. इसको आप करिए, उसका एस्ट्रो चार्ट देखिए। कई बार हम चार्ट में देखते हैं कि ये बच्चा तो बड़ा होकर बहुत बड़ा चोर बनेगा, ये बच्चा तो बहुत नेगेटिव काम करेगा, तो जब पता लग गया तो फिर हमने एक्शन क्यों नहीं लिया। जब हम एक डिसीज को देख सकते हैं एस्ट्रो चार्ट में कि इस आदमी की लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगी, कैंसर होगा, इसकी किडनी में प्रॉब्लम आएगी, हम ये भी देख लेते हैं ये शैतान बनेगा या विद्वान बनेगा, ओके, तो विद्वान बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, आपकी थोड़ी सी गाइडलाइन से वो आगे चलता रहेगा, लेकिन अगर वो शैतान बनेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, यस, उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में हमें इन्वॉल्व कर देना चाहिए कि वो नेगेटिव सोच ही ना पाए, यस, ये पहला स्टेप है बच्चों के लिए। या मैडम, जो बात आप कह रहे हैं इसी बात को बहुत विस्तार से ओशो ने भी अपनी पुस्तक संभोग से समाधि की ओर में बहुत विस्तृत ढंग से इस बात का जिक्र किया है, जो बात आप कह रहे हैं कि संस्कारों का ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी किन पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है, किन संस्कारों का मदर धारण करती है, उसका बच्चे के ऊपर आने वाले समय में बहुत संस्कारों पर फर्क पड़ता है जी। देखिए, अगर प्रेगनेंसी के समय अगर आप कोई ग्रंथ पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने हरिवंश पुराण, अच्छा, और रामायण है, ओके, गीता है, अगर आपने इनका अध्ययन किया जी, तो आप ये समझ के चलिए कि वो बच्चा बहुत ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ ए पर्सनैलिटी होगा, राइट, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके दो फायदे हैं, एक तो वो बच्चा जब दुनिया में आएगा वो बहुत शांत स्वभाव का होगा, राइट, दूसरा उस घर की दशा दिशा बदल जाती है जब आपके घर में इतना सौभाग्यशाली बच्चा जन्म लेता, yes, है, yes. मेरे पास एक क्लाइंट थे, उनका जब बच्चा बॉर्न हुआ, उनकी वाइफ ने पूरे 9 मंथ्स, मैंने उनको एक मंत्र दिया, ओके, मैंने कहा आप ये मंत्र करेंगी 9 मंथ्स और साथ में ये एक पाठ करेंगी। जब उनका बच्चा हुआ, उनका एक केस चल रहा था 12 साल से, ओके, आई थिंक 15 या 20 दिन हुए थे वो बच्चे को, जब उसका फर्स्ट नेम का सेरेमनी हो रही थी, उनकी कोर्ट की डेट आ गई, okay. और वो केस जो इतने टाइम से चल रहा था, इट वाज मोर देन 50-60 करोड़ की उनका प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, वो उनके फेवर में हो गया, okay. तो वो बच्चा इतना सौभाग्यशाली होगा, right. कि वो बच्चा आपके जीवन की दशा भी बदल देगा जी। और जब वो ऐसी चीजें सुन के आ रहा है जी. माँ की कोख से, तो वो बच्चा वैसे भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ होगा, शांत होगा, नेगेटिविटी नहीं होगी, उसको डिप्रेशन का पता ही नहीं लगेगा डिप्रेशन क्या होता है, राइट, उसकी सोल, उसकी आत्मा को फूड मिल चुका है, राइट, जो हम देना चाहते हैं, ठीक है जी। तो बिफोर वी वाइंड अप, आप जिस टॉपिक को हम लेके चल रहे थे जी, कि जो डिप्रेशन है, जो अवसाद है, उससे बचने के क्या उपाय हैं, और अगर कोई डिप्रेशन में चला जाए तो किस तरह से वो उस डिप्रेशन से बाहर आ सकता है, थोड़ा इस बात पे आप अगर प्रकाश डाल सकें जी।
देखिए, डिप्रेशन मैंने शुरुआत में कहा था कि डिप्रेशन की कोई एज नहीं है। यस, डिप्रेशन को निकालने के लिए जब हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, सबसे पहले उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। यस yes. उसको काउंसलिंग के साथ साथ अगर हम देखते हैं एस्ट्रो चार्ट में कि इसका चंद्रमा तो बिल्कुल 0 डिग्री का है, तो इसका चंद्रमा कमज़ोर है और ये बहुत इमोशनल है और ये बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं कि इसको चांदी के ग्लास में पानी पिलाओ, इसको चांदी का मैक्सिमम चांदी की चेन पहना दो, थोड़ा उससे क्या होगा, मन शांत रहेगा। और चांदी के ग्लास में आप खुद भी करिए ट्राई कभी, आप उस ग्लास में हमेशा पानी रखिए, आपने पिया दोबारा उसमें फिर भर दिया, आप उस पानी को पीते रहिए और आपको लगेगा कि मेरा मन शांत हो गया। जब आप खाना खाते हैं, अगर आप खाना सिर ढक के खा रहे हैं, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, आप सिर्फ सिर ढक के खाना खाते हैं और जब खाना खाएं एक बार प्रभु का नाम लें कि खाना अमृत बन जाए, उस बच्चे के, उस इंसान के मन में शांति होनी शुरू हो जाएगी, वो डिप्रेशन की तरफ सोच भी नहीं पाएगा, उसका मन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, उसकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को घर में सिखाते हैं। और पहले चांदी के ग्लास लोग रखते थे घर में, अभी फैशन आ गया है कि हम कांच के ग्लास यूज करते हैं। मैं आज भी कहती हूँ इफ़ यू कैन अफोर्ड इट तो चांदी के ग्लास में ज़रूर पानी पीना चाहिए। ठीक है, जो हमें बहुत बड़ी एनर्जी देता है। यस, जब अमावस्या और पूर्णमासी आती है, समुद्र में भी ज्वार भाटा आते हैं, तो इंसान है हम तो, और जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है सर, उनको पूर्णमासी और अमावस्या पे उनकी लाइफ में ऐसे, जैसे बोलते हैं ना कि वो ज्वार भाटा उनकी ज़िंदगी में आता है, डिप्रेशन जो है अमावस्या के टाइम सबसे ज़्यादा आता है। ठीक, तो हम उनको चार्ट में देख के बोलते हैं और हम ये नहीं बताते कि अमावस्या आ रही है, नहीं तो वो सोचना शुरू कर देंगे मैं डिप्रेशन में जाऊंगा। तो हम उसका उपाय यही बताते हैं कि आप कुछ मत करिए, सिर्फ चांदी की ग्लास में पानी पियो, डीप ब्रीथ करो, सुबह उठ के कुछ नहीं कर सकते, 5 बार ओम का उच्चारण करिए, ठीक, जितनी लंबी सांस ले सकते हैं ओम से, और आपकी प्रैक्टिस होगी और ये आपको कुछ बीमारियों से भी फ्री करता है, जैसे थायराइड है आजकल बहुत कॉमन है, आप 5 बार ओम करिए, विद इन 40-50 डेज आपको लगेगा मेरा थायराइड जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो गया। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, संस्कार हैं हमारे जो हमें करने चाहिए, तो इससे हम डिप्रेशन को रोक सकते हैं। ओके जी, तो श्रोताओं, ये थे मैडम प्रीति शर्मा, जिन्होंने अध्यात्म और ज्योतिष के आधार पर हमें ऐसे उपाय भी सुझाए जिसके माध्यम से हम डिप्रेशन से भी दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैडम आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले किसी समय में हम इसके किसी एक और पहलू पर बात करेंगे और आपको पुनः स्टूडियो में बुलाने के लिए कष्ट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।